आज का राशिफल कार्यक्रम से पहले, चूंकि अभी श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष चल रहे हैं, एक मुख्य बात से शुरुआत करूंगा। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम बिहार पहुंचते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम लक्ष्मण नगर में चले जाते हैं। माता सीता नदी के किनारे प्रतीक्षा कर रही थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था, तभी दोपहर के समय स्वर्गीय राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। कोई विकल्प न देख सीता जी ने फल्गु नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे केतकी के पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर दशरथ के निमित्त पिंडदान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने बताया कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है। राम ने पूछा, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे किया जा सकता है? उन्होंने सीता से सबूत मांगे। तब माता सीता ने कहा कि फल्गु नदी की रेत, केतकी के पुष्प, गाय और वट वृक्ष मेरे श्राद्ध कर्म के गवाही दे सकते हैं। तब भगवान श्री राम ने पूछा, तो फल्गु नदी, गाय और केतकी के पुष्प तीनों मुगर गए, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ जी से प्रार्थना कर गवाही देने के लिए ध्यान किया। दशरथ जी ने बताया कि उन्होंने पिंडदान दिया है। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों के झूठ से सीता जी को गुस्सा आ जाता है। उन्होंने श्राप दिया कि फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा, इसीलिए आज भी यह नदी अधिकांश समय सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। यही कारण है कि यह पुष्प को श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। चंद सेकंड आज के लिए चाहूंगा, आज की कुंडली और आज के पंचांग के लिए। ये 4 सितंबर शुक्रवार का राशिफल आप देख रहे हैं। आज दोपहर को 2:23 तक द्वितीया और फिर तृतीया तिथि रहेगी। आज रात को 11:27 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग और सुनफा योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रुचक योग का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन में से कोई एक है तो हंस योग और भद्र योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज भी गुरु केतु का चांडाल दोष रहेगा। चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए। सुबह 8:15 से 10:15 ये लाभ और अमृत का चौघड़िया, और दोपहर को 1:15 से 2:15 ये शुभ का चौघड़िया। इस टाइम पीरियड में आप किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना, कोई मीटिंग फैसला कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि दोपहर को 1:30 से 3 तक जब राहु काल रहता है तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद मैं कैसे पितरों से आशीर्वाद पाया जा सकता है, इसका विशेष उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि घर में पितरों की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए, इसका जवाब कार्यक्रम के अंत में दूंगा। अब आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपके नए संपर्क बनेंगे और संपर्क से लाभ होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। पुराने बॉस, पुराने दोस्त या रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग उनसे, और ग्राहक भी हो सकते हैं, उनसे वापस वास्ता जोड़िए। वर्क प्लेस पर आपका काम सामान्य से थोड़ी सी बेटर गति में चल सकता है अगर आपने डेडलाइन तय कर दी काम की और टाइम को मैनेज कर लिया। बिजनेस में आपके किसी पुराने विवाद और जो बात का बतंगड़ बन गया था, लीगल कॉम्प्लिकेशन, उसके उभर आने के चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा अलर्ट हो जाए। नौकरी पेशा लोग अच्छी कंपनी और तर्क वितर्क करके अच्छी सोचने और समझने की सूझबूझ में असमर्थ होंगे। आज ऐसा लगेगा कि मैं डिसीजन सही नहीं ले पा रहा हूं, एक वैर विरोध रहेगा। परिवार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को आगे के लिए नहीं टालें, अन्यथा आपके लिए भविष्य में कोई जटिल समस्या खड़ी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज का डे जैसा डिजाइन करेंगे वैसा आपके साथ हो सकता है, बस दिल लगा के काम करेगा। मैरिटल लाइफ और लव लाइफ में किसी बैठे बैठाए बेकार की पुराने बात को लेकर, किसी और की बात को लेकर रिश्तों में तलखी आ सकती है। माहौल बात को बतंगड़ बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार मत रहिएगा। बहस से बचने की पूरी कोशिश करें, साइलेंट मोड में रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लकी कलर ब्लू नंबर 3 शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आपको अपने कर्तव्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए।
आपको अधिकार जरूर याद है, लेकिन आज जो आपके मन में आता है मैं ये काम करूं तो बहुत अच्छा रहेगा, वो जरूर करना चाहिए। जो एक्सपेक्टेड वर्क है उसमें डिले होना लगभग तय है। पारिवारिक समस्याएं आज भी बनी रहेगी। वर्क प्लेस पर मनभेद और मतभेद किसी से हो सकता है, कोई लड़ाई के लिए प्रोवोक कर सकता है, आप ऐसे लोगों से दूर रहें। व्यवसाय ठीक चलेगा, उसे बेहतर बनाने के लिए जिंदा दिली के साथ इन क्षणों को एंजॉय करें और वर्क विद प्लेजर, बिजनेस विद प्लेजर पर आप ध्यान दीजिए। फैंटेसाइज न होकर वास्तविकता से आप अपने आप को जोड़िए। खर्च बढ़ सकते हैं, अप्रत्याशित खर्च और कर्ज आपके सामने आ सकता है, इसको मैनेज करिए। आपकी गृहस्थी शांति से बनी रहे इसके लिए हां में हां मिलाना ही पत्नी और पति के लिए बेटर रहेगा। आपका ऑनलाइन केयरिंग रवैया, आपके कम्युनिकेशन टेलीफोनिक और सोशल मीडिया के द्वारा लव पार्टनर का दिल जीत लेंगे। एड्रेसिंग सेंस, बोलने का अंदाज बेहतर होगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में समय दीजिए। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करिए। घर और आसपास माहौल बन जाएगा खुशनुमा। अपने कूल रवैया, आसपास के माहौल, एनवायरमेंट को बेहतर बनाकर अपनी जील और कॉन्फिडेंस को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। लकी कलर ब्राउन नंबर 1 शुभ रहेगा। मिथुन राशि, आज आपको अपनी जॉब, बिजनेस, अपनी कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। जिन लोगों से आपका काम पड़ता है, वास्ता पड़ता है, उन लोगों से अपने दिल की बात जरूर शेयर करें। समय निकालकर बढ़िया मौका देकर चौका लगाने की कोशिश करें। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग में जुड़े हुए लोग आज लाभ कमाएंगे, ट्रेवल करेंगे, वर्चुअली भी और फिजिकली भी। आपकी समझदारी, सूझबूझ, चतुराई से आज व्यवसाय में बेहतर लाभ और ऑर्डर मिल सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, टेंडर मिल सकते हैं, कोई भी लाभ की स्थिति बन सकती है। जॉब में आपके काम की वजह से, किसी की मदद की वजह से मान और सम्मान बढ़ रहा है। आपकी सेहत बेटर रहेगी, इसलिए एडवांस और एक्स्ट्रा काम किया जा सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई बड़ा बदलाव भी लाने वाले हैं। अब आप अपने नियमों को खुद बनाइए। दूसरों के पद चिन्हों पर चलना, दूसरों के नियम कायदे कानून पर चलना ही सही नहीं होता है। अपने नियम खुद बनाइए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही आत्मविश्वास लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुर, ताल और लय बेहतर हो जाने से एक टॉनिक का काम ये करेगा आपके लिए। आज नई योजना बनाना, बनी हुई योजना को लागू करना, लाभ के नए अवसर आपको दिलवाएंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत सावधानी रखें, पैसा फंसना, नुकसान, धोखा हो सकता है। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको सुकून देगी। वर्क प्लेस में जो वर्किंग एफिशिएंसी है और जो वर्क की आपकी जो टेक्निक है उसमें सुधार लाएंगे, इसमें सुख जरूर मिलेगा। लकी कलर रेड नंबर 8 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, दान, पुण्य, धर्म और साथ में स्पिरिचुअलिटी के काम में मन लगेगा और यही करके आपको लगेगा कि यही जीवन है। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तारीफ और आपकी तरफ आकर्षित जरूर करेंगे। विद्यार्थी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और जैसा आने वाले समय में या अभी वर्तमान में कोई एग्जाम चल रहा है उसके लिए जो समय चाहिए, जो बन चाहिए, वो आज आपको मिल जाएगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए आपको सोचने की बजाय कर्म ज्यादा करने चाहिए, बाकी सब अपने आप होगा। बिजनेस में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से काम आगे बढ़ेंगे। अभी आप अपने बाहरी रूप को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक है। संतान से आपको हौसला जरूर मिलेगा। परिवार के साथ भोजन करें, उन विचारों को शेयर करें जो आपके दिल और दिमाग में है। सगे संबंधी, दोस्त यार, रिश्तेदार के साथ वीकेंड को एंजॉय करना अच्छा लाभ देगा और लाभ के अवसर आपको जरूर मिलेंगे। लकी कलर सिल्वर नंबर 4 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, आकस्मिक परिवर्तन आपके इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी, और ये परिवर्तन आप खुद करके लाभ अच्छा कमाने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ अनचाही गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए वो गलती करने वाले हैं और इससे आपकी छवि और जो आपने इतना सब कुछ मान सम्मान कमाया है उसमें नुकसान हो सकता है। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों का सामना कोई और भी आपको करवा सकता है। बैठे बैठाए बात का बदंगड़ बनेगा, इसलिए हाँ में हाँ मिलाएं, शांत रहें और अपने काम में मन लगाएं। व्यवसाय में अधिक समय देने के बावजूद चाही गई सफलता नहीं मिल पाएगी। पुराने पेंडिंग जो काम होते हैं उसे निपटाइए। कमजोर हाजमा स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है, इसलिए खान पान को समय पर और सही खान पान पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ और रिलेशनशिप में सात समंदर में जैसे ज्वार भाटा आता है वैसा आ सकता है। धीरज, धैर्य और संयम से काम लें। किसी पुरानी बातों को, अभी गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोई कोशिश नहीं करें। आलस्य त्याग कर विद्यार्थी,
पढ़ाई में जुट जाएं, लाभ ही लाभ मिलेगा। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ रहेगा। कन्या राशि, जीवन साथी और जीवन संगिनी से संबंध बेहतर बनाइए। शादीशुदा नहीं है तो दोस्तों, यार और रिश्तेदार के साथ बेहतर ताल्लुकात, बॉन्डिंग कैसे बने, इस पर आज चंद्रमा को गुर सिखाने वाले हैं। कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है, नई योजना पर काम बन सकता है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी, थकान अनिद्रा महसूस होगी, इसके लिए अच्छी नींद लें और काम पर लगे। कॉम्पिटिटर्स सक्रिय होने वाले हैं। व्यवसाय में वृद्धि होगी और व्यवसाय यात्रा सफल रहेगी। जिनसे आप पैसा मांगते हैं उनसे प्राप्त करने में सफलता मिलेगी, इससे आपका खर्च और कर्ज पूरा हो सकता है। अधिकारियों से और सबॉर्डिनेट से उलझने से बचिए। दूर रह रहे सगे संबंधी, दोस्त यार रिश्तेदार से बेहतर कम्युनिकेशन आपको खुश कर सकता है। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास बेहतर स्किल और अनुभव है, उसके साथ रहने, उसका साथ मिलने से आपको एक बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। आज आप अपने जीवन की रुचि पता लगाने की पूरी कोशिश करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई पैशन, फैशन, हॉबी हुआ करती थी, वो अब दफन हो चुकी, उसे बाहर निकालिए। समय दीजिए, क्योंकि जिंदगी भगवान ने आपको जीने के लिए भेजा, कोई काटने के लिए नहीं भेजा है। यह समय परिवार को समर्पित करने का भी, और कड़ी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करके मजा आ जाएगा आपको। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद आइए जानते हैं कि हम अपने उन परिवार के सदस्यों से आशीर्वाद प्राप्त करें जिन्होंने जीते जी तो दिया था, लेकिन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में वो हमें ऊपर बैठकर आशीर्वाद दे, ताकि हम सुख शांति से जीवन जी सकें। श्राद्ध पक्ष ऐसा समय है जब हम अपने पितरों को याद करके, उनका स्मरण करके, पूजा अर्चना और सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करके न केवल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि दीर्घायु और साथ में एक निरोगी काया भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन पितरों के नाम से घर के रसोई घर में, और या फिर जो रसोई की दहलीज होती है, जैसे आप बाहर हैं और रसोई में एंटर कर रहे हैं, वो जो दहलीज है उस पर दीपक तेल का और घी का दोनों तरफ एक एक प्रज्वलित करें, और उनके पसंद का भोजन वो जरूर बनवाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को खिलाना चाहिए। दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। घर के बच्चों से किसी भी वृद्ध आश्रम में उपयोगी वस्तुओं का दान जरूर करवाएं। तुला राशि, खर्च और कर्ज बढ़ सकता है, लेकिन आमदनी की वजह से सही ढंग से इसको चुका कर इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से आपकी अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल को डेवलप करते हुए आगे बढ़ते हुए, आप लंबी हो या छोटी हो, लेकिन बातचीत करके मसलों को हल कर लेंगे। नए और पुराने दोस्त, ग्राहक, बॉस, इनसे सोशल मीडिया से जुड़कर, इनसे किसी प्रकार से वापस कॉन्टैक्ट करके आपको बहुत खुशी मिलेगी। वर्क प्लेस में व्यक्तिगत विवाद से जो आप परेशान थे उसे निपटाते हुए आप किसी का भी पक्ष न लें, बल्कि न्यूट्रल रहकर झगड़े को खत्म करें। रोजगार में वृद्धि होगी। शांत रहकर ध्यान करके आप अपने काम में हर संभव कोशिश करके नेगेटिव परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाकर संतुलित जीवन जीने के लिए आज आगे बढ़ेंगे। अभी सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजने चाहिए। माँ पिताजी की सेहत को लेकर हल्की सी चिंता आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा और वस्तुओं को संभाल कर आप यूज करिए। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपको स्टूडेंट बना रहे हैं। एक गुरु से दिन को बेहतर ढंग से गुजारने की शिक्षा मिलने वाली है। अपने आप को गैजेट की तरह अपडेट और अपग्रेड भी करिए। जुबान में अच्छे शब्द और नियंत्रण आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। किसी भी काम में जल्दीबाजी करने से बचें। शारीरिक कष्ट किसी और के संपर्क में आने से, या यूं कहें कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। कानूनी और किसी से बात के बतंगड़ की अड़चन दूर हो जाएगी। व्यवसाय अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुखमय वातावरण बनाने में आप कामयाब होंगे। आपके प्रसन्नता को देखकर आप जिनके साथ रहेंगे उनको भी आज बहुत खुशी मिलेगी। आज ट्रेवल करने का योग बन रहा है, जरूर करें, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। अपने परिवार के लोग जो आपके वेलविशर हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं या रहते हैं, उनसे सहयोग आपको बहुत रास आएगा। अपने विरोधियों को आप अपने कौशल से, अपनी जुबान से, अपने काम से जीत लेंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक बेहतर टाइम बिताना, बेहतर टाइम को मैनेज करते हुए वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग बनाना बहुत खुश देगा आपको। किसी अपने का व्यवहार हृदय को चोट पहुंचा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स करियर बनाने के लिए पढ़ाई में जुटे रहेंगे। आज संभव है
आप किसी स्पेशल व्यक्ति को अपने दिल का हाल जरूर सुना दें, जिससे आपके जीवन में नए चरण की शुरुआत हो सके। लकी कलर येलो, नंबर 8 शुभ है। धनु राशि, चंद्रमा आज आपको भूमि भवन के मामले सुलझाने में, डॉक्यूमेंटेशन हो, रिनोवेशन हो, घर खरीद रहा हो या खरीद फरोख्त का कोई भी काम किया जा सकता है। नौकरी के लिहाज से दिन आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। वर्क प्लेस पर आपसे सभी वरिष्ठ जनों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी और संभवतया आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। करियर और व्यवसाय में विवाद वाला दिन साबित हो सकता है, इसलिए धीरज धैर्य और संयम से आगे बढ़िए। परिवार में अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाना, अचानक हो सकता है कोई ऐसा चीज हो जाए जो आपको डिस्टर्ब कर सके, आपके काम को डिस्टर्ब करे और आपको डिस्ट्रैक्ट करते, थोड़ा मैनेज करके चलिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने काम में अपनी स्किल का लोहा मनवाते हुए आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन किसी और की वजह से आप डिस्टर्ब भी होने वाले हैं, इसलिए औरों की नो एंट्री, सबकी सुने, करें अपने मन की। लव लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चन आपके अहंकार बदजुबानी की वजह से आ सकती है, इससे बचें। निराशा के बादल कोई और लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए निराशावादी व्यक्तियों से दूर रहें। लकी कलर व्हाइट, नंबर 4 शुभ रहेगा। मकर राशि, आज अपनों से कोई खुशी की खबर आपको बहुत खुश करने वाली है। व्यवसायिक यात्रा वर्चुअल हो या फिजिकल यात्रा हो, सफलता देगी। आपने बैंक में लोन अप्लाई किया है, किसी से पैसा बोरो करने के लिए या कोई कर्ज के लिए अप्लाई किया है, तो आपको लोन जल्दी मिल सकता है, लेकिन दोबारा सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोन वेस्ट हो जाए आपका। अपनी गलतियों और दूसरों के अनुभवों से सीखने की आपकी क्षमता आज बहुत शानदार रहेगी। जॉब में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आज सफल होंगे। जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत शुभ रहेगा। मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों और अधिकारियों का सहारा लिया जा सकता है और किसी बड़ी समस्या का हल बड़ी आसानी से आज मिल जाएगा। शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को पराजित करिए और सावधानी पूर्वक। थकान, अनिद्रा और यूं कहें कि टाइम वेस्ट करने से आपको बहुत थकान महसूस होगी, इसके लिए अच्छे संगीत सुने, अच्छा रेस्ट करो और आगे बढ़े। सुख के साधनों पर व्यय होने वाला है। लकी कलर रेड, नंबर 1 शुभ रहेगा। कुंभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, खुशी के सुख के सामान आ सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में धन खर्च हो सकता है, एंजॉय करिए। नौकरी में यह समय शांति के साथ काम करने और हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करने का है। सिर दर्द, बालों में और आंखों में तकलीफ और कोई इन्फेक्शन की तकलीफ आपको दे सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पर चले। फिटनेस से आप दूसरों को प्रेरित करने वाले हैं। लोग आपकी फिटनेस को देखकर, आपके ड्रेसिंग सेंस अंदाज को देखकर बड़े खुश होंगे। वर्क प्लेस पर दिन सुकून से काम करते हुए जरूर गुजरेगा। परिवार के सभी सदस्यों का तो हम ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन जो आप रख सकते हैं वो जरूर करें। जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण लोग हैं उनको दिमाग से जवाब नहीं दें, क्योंकि वो रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। अनुभवी लोगों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई मसला हल होगा। भक्ति, पूजा पाठ, दान धर्म में मन लगेगा, जिससे मानसिक सुकून भी मिलेगा। आज रोजगार में वृद्धि हो सकती है, अपने बॉस से अपने मन की बात की जा सकती है। प्रेम प्रसंग में जोखिम ना लें और जल्दीबाजी करने से बचें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जो हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे। भोजन में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आइए, मजा आएगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 7 शुभ रहेगा। मीन राशि, शुभ कार्य, पुण्य कार्य और ऐसे काम जो पूर्वजों को और परिवार के लोगों को भाए, ऐसा करके बहुत मन खुश होगा। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है, जो आज तो नहीं या हो सकता आज पूरा नहीं, लेकिन भविष्य में लाभ और सुख जरूर देगी। आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण के लिए एकांत उपयोगी होगा। नौकरी में कुछ बदलाव भी होने जा रहे हैं। लेन देन में सावधानी रखें, जोखिम और जमानत के कार्य टालें, किसी और पर भरोसा आंख मूंद कर नहीं करें। आत्मविश्वास में वृद्धि अच्छे काम करके होने वाली है। कॉम्पिटिटर्स कुछ सक्रिय रहेंगे, उससे आप ये मत सोचें कि आपका कुछ डाउनफॉल चल रहा है, जोखिम लेने से बचें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सोशल मीडिया, लोगों से किसी प्रकार से कम्युनिकेट करना और साथ में ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिलने वाला है। लव लाइफ में रोमांच, रोमांस और ट्रेवल, वीकेंड को एंजॉय करने का भरपूर आनंद मिलने वाला है। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि वो लोग जो हमारे अपने थे लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं, भीतर तो हैं पर लोग सिधार चुके हैं, ईश्वर के पास हैं, वो हो गए हमारे पितर, उनकी तस्वीर हमें कहां लगानी चाहिए।
पहला तो एक काम कि बेडरूम और रसोई घर में नहीं होने चाहिए, पहला काम आपको यही करना है। दूसरा काम, अक्सर हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ लगाने, कोई लोग बेडरूम में लगा देते हैं, ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, मर्जियाँ जहाँ लगा देते हैं, और हम अपने पितरों की तस्वीर को गलत जगह पर लगाकर आशीर्वाद भी नहीं ले पाते हैं और जो पुण्य करना है वो भी नहीं कर पाते और वास्तु का एक दोष और उत्पन्न हो जाता है, जो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ही गलत माना जाता है, गलत दिशा में रखे। इसलिए आज आपको ये पता लगाना है, आज आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो कह रहा हूं उसे आप समझें और आगे बढ़े। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है उसे हम ईशान्य कोण कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि मेरे सामने ईस्ट है जहां से सूर्य उदय होता है, तो ये ईस्ट और ये नॉर्थ, नॉर्थ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इन दोनों के कॉर्नर में जो ये है जगह वो ईशान्य कोण कहलाती है। इसके ठीक अपोजिट साइड में कैसे हुआ, ये मेरे ईस्ट हुआ तो ये मेरा वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ हुआ, तो साउथ वेस्ट के जो कॉर्नर है वहां पर या साउथ वेस्ट की वॉल के बिल्कुल कॉर्नर के आसपास आप पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन रसोई घर में और आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का घर छोटा है और रसोई में ही उनका मंदिर है, तो मंदिर का दरवाजा होना चाहिए और वहां पर आप ये तस्वीर लगा सकते हैं। तो भगवान इस कॉर्नर में और हमारे पूर्वज जो हमारे लिए तो भगवान से कम नहीं है वो इस कॉर्नर में, तब ही ये आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपको ये पता लगाना है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को खाना क्यों खिलाया जाता है, आप इस पर रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब आपको कल कार्यक्रम के अंतर्गत दूंगा। आपका शानदार शुक्रवार गुजरे, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, और ऐसा ही हो ये सोचकर मैं अपनी जुबान को यहीं विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।